का मतलब यह है, कविता आप तक पहुंचना चाहती है कि हम रंग में हैं वो जंग में हैं, हम रंग में हैं वो जंग में हैं, हम रंग में हैं वो जंग में हैं, हिंदू मुस्लिम सब संग में हैं, इस देश के खातिर जिए मरे वो सैनिक इसी उमंग में हैं, इस देश के खातिर जिए मरे वो सैनिक इसी उमंग में हैं, सीमाओं पे सम्मुख जिनके सीमाओं पे सम्मुख जिनके जहां रिशन गोली होती है, जब ये जगते हैं रातों में तब अपनी होली होती है, हम रंग में हैं वो जंग में हैं, थोड़ा भी तिरंग पे आंच जब दिखती है प्राण तज खुद के ये ढाल बन जाते हैं, थोड़ा भी तिरंग पे आंच जब दिखती है प्राण तज खुद के ये ढाल बन जाते हैं, देश जब जलता है आतंकवादी लपटों में दुश्मन के सम्मुख ये काले बन जाते हैं, और मातृभूमि हित शीश दान दे करके हेमराज वाली ये मिसाल बन जाते हैं, शेखर सुभाष भगत बन जाते हैं, रणभेरी बजते ही महाकाल बन जाते हैं, शेखर सुभाषी और भगत बन जाते हैं, रणभेरी बजते ही महाकाल बन जाते हैं, और भारत माता के मस्तक पे, भारत माता के मस्तक पे तब स्वाभिमान की रोली है, जब ये जगते हैं रातों में तब अपनी होली होती है, हम रंग में हैं वो जंग में है। चार पंक्तियां तमाम किसान के बेटे बेटे होंगे, तमाम या किसान परिवार बैठे होंगे, राजनीति की तरफ से मैं एक तर्क देना चाहता हूं, साहित्य की तरफ से राजनीति को निवेदन करता हूं कि उनकी शहादतों का मोल बस इतना सा 10 लाख दे वो सारे कर्ज मिट जाते हैं, उनकी शहादतों का मोल बस इतना सा 10 लाख दे वो सारे कर्ज मिट जाते हैं, झुके ना तिरंगा कभी यही प्राण लिए खड़े, यहाँ बिन बात ही तिरंगे झुक जाते हैं, और शहीदों की चिताओं पे मेले लगवाने वालों अगली लाइन में मैं और देखना चाहता हूँ कि शहीदों की चिताओं पे मेहनत लगवाने वालों बाकी निशान उनके यहाँ कैसे मिट जाते हैं, और विद्या बालन को पद्मश्री मिलती है, शहीदों के बच्चे यहाँ भूखे मर जाते हैं, वाह वाह, विद्या बालन को पद्मश्री मिलती है, सैनिकों के बच्चे यहाँ भूखे मर जाते हैं, इतने दुख सह करके भी ये, मैं आपकी गंभीरता टटोलना चाहता हूँ, इतने दुख सह करके भी ये जनता कुछ नहीं बोली है, जब ये जगते हैं रातों में तब अपनी होली होती है, हम रंग में हैं वो जंग में हैं, मैं वो चाह